अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो मैसेज है वो है लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई करने से फसाद पैदा होता है और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का क्लास प्रेप, यूनिट नंबर है 9, पेज नंबर है 27, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है थिंग्स इन द बाथरूम। थिंग्स इन द बाथरूम क्या मतलब है इसका? कि बाथरूम में जो जो सी चीज़ें पाई जाती हैं उनके नेम लिखे हैं, ठीक है। आमतौर पर जितनी भी चीज़ें वॉशरूम में हम रखते हैं, बाथरूम में, वो उन्होंने उनके नेम दिए हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। THINGS things, things mean चीजें, things mean चीजें। THINGS things, things, things mean चीजें, things mean चीजें। IN in mean में। THE the bathroom, BATH baths, ROOM room bathroom, bathroom में उन्होंने कहा है bathroom में जो पाई जाती हैं चीजें उनके name लिखे हैं। सबसे पहले है bucket, BUCKET bucket। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा पिक्चर से किसको कहते हैं ये बुकेट, किसको कहते हैं बुकेट, के कहते हैं बास्केट को, सॉरी बाल्टी को। बुकेट किसे कहते हैं? बाल्टी को, जिसमें हम पानी भरते हैं, ठीक है। बुकेट किसे कहते हैं? बाल्टी को, BUCKET bucket। नेक्स्ट है हेयर ब्रश। देखें पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा इसको क्या कहते हैं, हेयर ब्रश, HAIR हेयर, BRUSH ब्रश, BRUSH ब्रश, हेयर ब्रश, HAIR हेयर, BRUSH ब्रश। हेयर ब्रश कहते हैं वो वाला ब्रश जो बालों में हम, जिससे हम बालों को कंघी करते हैं, ठीक है, बालों वाला ब्रश है ये, इसे हम बाल संवारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम, COMB कॉम, COMB कॉम, कॉम कहते हैं कंघी को, कॉम किसे कहते हैं? कंघी को, ये भी बाल सवारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टॉवल, टॉवल, TOWEL टॉवल, टॉवल मीन तौलिया, टॉवल मीन तौलिया, ये भी बाथरूम में यूज किया जाता है, जब कोई शावर लें या नहाएं तो टॉवल को यूज करते हैं बाद में। मिरर, MIRROR मिरर, MIRROR मिरर, MIRROR मिरर, मिरर कहते हैं शीशे को, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। मिरर मीन शीशा। नेक्स्ट है टूथपेस्ट, TOOTH टूथ, TOOTH टूथ,
कहते हैं, दांतों की जो पेस्ट होती है, दांतों को साफ करने के लिए जो पेस्ट यूज़ की जाती है उसको कहते हैं टूथपेस्ट। दांत साफ करने के लिए जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं, ब्रश पे लगाते हैं, टूथब्रश पे, उसको कहते हैं टूथपेस्ट। TOOTH टूथ, PASTE पेस्ट, टूथपेस्ट। नेक्स्ट है टूथब्रश। देखिए मैंने आपको बताया था ना, टूथपेस्ट को थोड़ा सा टूथब्रश पे लगा के हम अपने दांत साफ करते हैं। टूथब्रश से हम अपने दांतों को साफ करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं। TOOTH टूथ, BRUSH ब्रश, BRUSH ब्रश, टूथब्रश। थिंग्स इन द बाथरूम, बकेट बाल्टी को कहते हैं, हेयर ब्रश कॉम, टॉवल मिरर, टूथपेस्ट टूथब्रश। बकेट, हेयर ब्रश कॉम, टॉवल मिरर, टूथपेस्ट टूथब्रश। टूथपेस्ट टूथब्रश। ये था आज का हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश की रीडिंग, पेज नंबर 27, थिंग्स इन द बाथरूम। बाथरूम में जो चीज़ें आमतौर पर पाई जाती हैं उनके नेम थे। अब हम आएंगे इंग्लिश के रिटर्न वर्क की तरफ। ये देखें जी, आज का इंग्लिश का रिटर्न जो होमवर्क है वो है डिक्टेशन। डिक्टेशन, DIC डिक TOON dictation, DIC DIC shun, dictation dictation। डिक्टेशन कहते हैं इमला, ठीक है, लेकिन हम, ये इंग्लिश की नोटबुक है इसलिए हम इधर पढ़ेंगे डिक्टेशन। ये डिक्टेशन के वर्ड्स हैं, हमने रोज़ दो डिक्टेशन के वर्ड्स लिखा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने उनको रोज़ाना नोटबुक पे लिखना भी है और साथ साथ उसके स्पेलिंग याद करने हैं, ताकि आपको डिक्टेशन भी याद हो जाए, उसके स्पेलिंग भी आते हो, ठीक है। डिक्टेशन भी आती हो, पढ़ना क्या है, ये क्या लिखा है, ये भी पढ़ना आता हो, और इसके, इसको स्पेलिंग्स के साथ भी रीडिंग करनी इसकी आती हो। SAD सैड, SAD सैड, SAD सैड, MAT मैट, MAT मैट, मैट सैड, मैट सैड, मैट। आज मैंने आपको कितने वर्ड्स दिए हैं डिक्टेशन के, 2 वर्ड्स दिए हैं, सैड मैट, ठीक है। आपने इनकी स्पेलिंग्स भी याद करने हैं और इनको पढ़ना भी आना चाहिए कि क्या लिखा है। ये है सैड, SAD सैड, MAT मैट। और प्यारी सी राइटिंग में आपने कॉलम को दुरुस्त रखते हुए काम करना है इंग्लिश का जो रिटर्न होमवर्क है, डिक्टेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।